अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी बैंगन का भरता की रेसिपी। इसके लिए मेरे पास बड़े गोल वाले बैंगन हैं, ये देखें, फ्रेश होने चाहिए इनको। आधा किलो मैंने लिए हैं, या मेरे पास 5 अदद हैं। एक मीडियम साइज का प्याज, इसको चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्च को चॉप किया है। 2 टमाटर को छिलका उतार के ग्रेट कर लिया। नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, अनारदाना 1 टीस्पून, धनिया 1/4 पंच है, 1/4 गड्डी है, इसको वॉश किया है, काट लिया है। इसके अलावा मेरे पास 1/2 कप ऑयल है। भरता बनाने के लिए हमें ये जो बैंगन है इन पे हल्का हल्का है जो मैंने ऑयल रखा है, इससे हम ऑयल का मसाज करेंगे, इस पे सारा ऑयलिंग करेंगे। अच्छा सा इसको मसाज करना है, सारा इस पे ऑयल लगाना है, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं लगाना। इसी तरह सारे जो बैंगन है उन पे मैं ऑयलिंग कर लूंगी। इन सब पे मैंने ऑयल लगा लिया, देखें आप कैसे शाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ये चूल्हा है, इसको हम जलाएंगे। इसके ऊपर हम ऐसे बैंगन रख देंगे, जितने आते हैं एक टाइम में उतने हम रख देंगे। 3 मैं इस टाइम रख रही हूँ, 2 मैं बाद में रख दूंगी। इनको हमने जलाना है, इनके छिलकों को हमने जलाना है। और ये जो टोंग है इससे हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे, और इसी से आप इसको जब प्रेस कर करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर से नरम हो गए हैं और ये गल गए हैं। ये देखें जी, इनको हम यहाँ हमने पकाना है, इनका जो छिलका है वो हमने बिल्कुल जलाना है। भरता अगर आपने बनाना है ना, तो बस फिर आप चूल्हा भी साफ करने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि जो हमारा चूल्हा है ना वो बहुत मेसी हो जाता है, उसको फिर बहुत साफ करना पड़ता बाद में। अभी ये देखिए, जहाँ जहाँ से छिलका जल गया वहाँ आराम से ये प्रेस हो रहा है, वहाँ वहाँ से ये अंदर से गल गया है, लेकिन जहाँ जहाँ छिलका सख्त है और जला नहीं है वहाँ से ये प्रेस नहीं होगा। ये देखें, यहाँ ये हार्ड है, तो हमने इस सारे को जलाना है अच्छी तरह, सारा इसका छिलका जलाना है, और हमने प्रेस करके देखना है कि ये जो टोंग है हमारा ये अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा। ये वाला जो बैंगन है ना, ये सारा हमारा, ये देखें, आराम से प्रेस हो रहा है, इसका सारा छिलका जल गया, ये हमारा रेडी है। ये वाला मैं उतार लेती हूँ, इसकी जगह मैं दूसरे रखती हूँ। बस इसी तरह से आपने सारे बैंगन जो है इस तरह जला लेने हैं। बाकी के मैं जला लेती हूँ, एक मैंने आपको जला के बता दिए। बाकी के 2 बैंगन मैंने चूल्हे पे रख दिए ताकि वो जल जाएं, तो तब तक हम इनका छिलका उतार लेते हैं, क्योंकि हमने इनको ठंडे होने का वेट नहीं करना। अगर हमने ठंडे होने का वेट किया ना, तो फिर छिलका बहुत मुश्किल से उतरेगा। ये देखें, अभी तो आराम से उतर रहा है ना, ये गरम गरम है, ये देखें। इसी तरह हमने बैंगन का छिलका आराम से उतर जाएगा, सारा उतार लेना है। तो हम ये वेट नहीं कर सकते कि बाकी के 2 बैंगन भी जल जाएं तो फिर हम छिलका उतारें, हमने गरम गरम का उतारना है। जब तक वो जल जाएंगे तब तक इनका भी छिलका उतर जाएगा। जो बैंगन है उनको मैंने जला के उनका छिलका उतार लिया, ऊपर से इनका क्राउन भी रिमूव कर दिया। एक एक बैंगन उठाएंगे और इसको हम ऐसे 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 आराम से सारा काट लेंगे, इसके पीसेस कर देंगे, बिल्कुल क्यूब्स कर देंगे, इसको मैश टाइप कर देंगे। ये बैंगन हमारे रेडी है, अभी हम इनका मसाला रेडी करते हैं। यहाँ मैंने वोक ले लिया, इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल डाल दिया। साथ ही मैं इसमें 1 मीडियम साइज का चॉप्ड अनियन डाल दूंगी। हमने इसको कलर नहीं देना, हमने सिर्फ इसका कच्चापन खत्म करना है। प्याज के साथ ही हम इसमें साबुत जीरा भी डाल देंगे जो मैंने आपको लिखवाया था। बन ये लंबे वाले बैंगन में भी जाता है भरता, लेकिन उसको फिर आपको बहुत ज्यादा बैंगन जलाने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा बैंगनों का छिलका उतारना पड़ेगा। और बेटर तो ये होता है कि आप 1/2 किलो वाला ही बड़ा ले लें, ताकि आपको एक ही बैंगन जलाना पड़े और एक ही बैंगन के छिलके उतारने पड़े, वो फिर इजी रहता है। प्याज का कच्चापन खत्म हो गया, मॉइस्चर ड्राई हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गए। अभी मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल रही हूँ। टमाटर और हरी मिर्च को हम मिक्स करेंगे और साथ इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी,
धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। अभी हम यहाँ मसाले की भुनाई करेंगे। टमाटर गल गए हैं, मसाले की भुनाई हो गई है, इसमें ऑयल छोड़ दिया। अभी मैं इसमें धुला हुआ अनारदाना और अनारदाना डाल के इसको मिक्स करूंगी और साथ ही हम इसमें अपने बैंगन जो हमने रखे हुए थे काट के वो डालूंगी। अभी हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। बैंगन जो है उनको मैंने भून लिया है, उन्होंने ऑयल छोड़ दिया। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। कवर करके मैंने इसकी जो हीट है वो बिल्कुल लो कर दी है। अभी हम 5 मिनट तक इसको दम पे छोड़ देंगे। इसको दम पे पड़े पड़े 5 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसका दम खोलेंगे। बस ये हमारे रेडी हैं। अभी मैं इसमें चाट मसाला जो हमारा रह गया था वो मैं इसमें डालूंगी, साथ ही हम इसमें धनिया डाल देंगे। इसको एक मिक्स देंगे अच्छा से। बस ये रेडी है, अभी मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये व्यूअर्स, हमारा जो बैंगन का भरता है इसका ये फाइनल लुक है, बहुत मजे का बनता है, जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।